मधुबन न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते ही यूपी से, तो रायबरेली के भाग्य भवन सेवा केंद्र पर यूपी के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप का स्वागत कर उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट की गई। दिल्ली के डेरावाल नगर के ज्ञान विज्ञान भवन में शक्ति नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी की उपस्थिति में बीके सदस्यों का अलौकिक जन्मदिन मनाया गया। तो वहीं शाहदरा के रोहतास नगर सेवा केंद्र पर नशा मुक्ति अभियान का बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षकों ने लाभ लिया। बरवाला सेवा केंद्र पर नन्हे नन्हे बच्चों को त्रिदिवसीय समर कैंप में खेल खेल में नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई। महाराष्ट्र के परतवाड़ा सेवा केंद्र के द्वारा चिखलदरा के नवनिर्मित शिव दर्शन आध्यात्मिक संग्रहालय में माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश दिया। सोलापुर के उमा नगरी सेवा केंद्र पर योग कराने के साथ ही अतिथियों को सम्मानित किया गया। डोंबिवली ईस्ट सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू के निर्देशन में रेलवे सेंट्रलाइज इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट, फातिमा स्कूल, सेंट मेरी कॉलेज समेत अनेक स्थानों पर तन और मन के स्वास्थ्य का संतुलन कैसे बनाया जाए, इस पर बीके सदस्यों ने जानकारी दी। परतवाड़ा के स्कूली बच्चों को राजयोग मेडिटेशन कराकर बीके सदस्यों ने उनका मनोबल बढ़ाया। तो 3 दिवसीय राजयोग साधना के दौरान अपने कर्मेंद्रियों पर संयम कर कर्मों में कुशलता लाने की प्रेरणा दी गई। आगे गुजरात के वलसाड में ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज थीम के अंतर्गत योग कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो कलोल में बीके डॉक्टर दामिनी ने योग और शारीरिक योगासन के द्वारा बीमारियों से मुक्त होने की विधि बताई। इसी तरह राजकोट में त्रंबा के ग्रीन फार्म स्कूल में बीके सदस्यों ने एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए योग को जरूरी बताया। उमरगाम के एमके मेहता कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स तथा बीएड कॉलेज में बीके चेतना ने कहा कि वर्तमान तनाव भरे युग में राजयोग बहुत आवश्यक है। आगे राजस्थान के कोटा में पतंजलि आदर्श योग क्लासेस के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। टोंग सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्त अभियान के तहत लगाए गए शिविर में नशीली दवाओं के रोकथाम पर चर्चा हुई। रांची के रामगढ़ सेवा केंद्र पर नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने कराया। तो चिरकुंडा सेवा केंद्र के द्वारा दामोदर घाटी निगम में बीके सदस्यों ने राज्यों के द्वारा परमात्मा सुख की अनुभूति कराई। वहीं निरसा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने मानवता के लिए योग विषय पर चर्चा की। बिहार के गांधी मैदान में योग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने कहा कि योग का अर्थ परमात्मा से बुद्धि के द्वारा स्वयं को जोड़ना है। वहीं हाजीपुर राजपूत कॉलोनी सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके अंजलि ने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से हम सभी को तनाव व चिंताओं से मुक्त बनना है। आगे पटना सिटी के पंचवटी कॉलोनी में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी समेत अनेक सदस्यों ने अनेक प्रकार के योगासन सिखाए। अलीराजपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस स्टाफ के लिए तनाव मुक्त जीवन विषय पर वर्कशॉप कराया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने कहा कि सभी में गुण देखना और सकारात्मक बातों का चिंतन करना बहुत जरूरी है। जम्मू में ओलंपिक डे पर स्पोर्ट्स विंग और ब्रह्मा कुमारीज के समन्वय से एमए स्टेडियम में ओलंपिक ओकेशन सेलिब्रेशन हुआ, जिसके अंतर्गत मैराथन भी निकाली गई। बालोद के अंगारी गांव में 7 दिवसीय राजयोग शिविर में राजयोग शिक्षिका बीके सरिता ने स्वयं का और परमात्मा का सत्य परिचय दिया। तो वहीं बेमेतरा सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक ज्ञान दिवस पर रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। एमपी के राहतगढ़ नगर परिषद में राजयोग शिक्षिका बीके नीलम ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लोगों को जागृत किया। ऐसे ही रतलाम के सर्कल जेल में पत्रकार कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने कहा कि व्यसनों के अधीन होकर लोग अपना और अपनों का जीवन बिगाड़ रहे हैं। आगे बिहार के मधुबनी सेवा केंद्र पर लोगों को माउंट आबू से आए बीके डॉक्टर बनारसी ने नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया। तो वहीं दरभंगा में मुंबई के प्रसिद्ध काउंसलर डॉक्टर बीके सचिन परब ने प्रतिवर्ष तम्बाकू से होने वाले मौत के आंकड़े बताते हुए व्यसन मुक्त बनने की अपील की। पश्चिम बंगाल के तमलुक के स्थित कोलाघाट सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक रथ यात्रा निकाली गई। राजस्थान के कायड़ में सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। ओडिशा के राउरकेला स्थित कोयल नगर सेवा केंद्र के द्वारा नगर के कई स्थानों पर बीके राजीव ने प्रोजेक्टर और प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों में नशे के खिलाफ जन जागृति लाई।
भुवनेश्वर के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में 5 दिवसीय राजयोग शिविर का अधिकारियों ने लाभ लिया। बेंगलुरु में एंटी ड्रग डे के तहत RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में युवा छात्रों के लिए सेशन के दौरान नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई। नेपाल के काठमांडू में योग शिविर के अंतर्गत धार्मिक लोगों, सरकारी ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, मंत्रीगणों ने प्राचीन राजयोग का लाभ लिया। इस दौरान शहर में शांति रैली भी निकाली गई। फरीदाबाद के अमोल कंपनी में राजयोग खुशनुमा जीवन का आधार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में सभी स्टाफ ने बड़ी ही तन्मयता से योग का लाभ लिया। दिल्ली के रोहतास नगर सेवा केंद्र और ब्रह्म कुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा शहीद राजगुरु कॉलेज में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें सभी बीके सदस्यों ने कई प्रकार के नशे से स्वयं का बचाव करने के गुर सिखाए। राजकोट के मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने नशा और ड्रग के कारण बिगड़ने वाले स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराया, साथ ही राजयोग का अभ्यास कराया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।